कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम इस गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं जो कि गांव में है। ठीक है, अभी हम गए थे वो एक शहर में था, तो अब हम आए हैं गांव के गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे खाना खुद बनता है, यहाँ पे लोग रहते हैं अच्छा, तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि कैसा यहाँ का माहौल है। तो पहले तो ये बताइए कि आपको खाना कैसा लगता है? अच्छा। नहीं देखो, ऐसा नहीं करना है कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना है, तो अपने मन में अपना सब कुछ बता दो। अच्छा लगता है, अच्छा आज क्या आया खाने में? खाना ही नहीं मिला है ना? तो खाने बट्टा कहाँ पर है? वहाँ पर सामने रसोई की बाहर बट्टा होगा ना। बाहर कितने लोग बांटते हैं? दो 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 बोली लोग बनाते हैं बड़ी बात। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ नहीं खाना आपको खाना हो और हो नहीं खाना, ऐसा होता है कभी? नहीं हम पड़ गया हो ऐसा कुछ करते हैं आप? अगर बांटते हैं किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा? नहीं बिल्कुल मतलब कुछ ऐसे भेदभाव नहीं, जितना मांग लो अपने मन में बता देना। ठीक है, और खाने की क्वालिटी कैसी? अच्छा लगता है कि बेकार सा लगता है? अच्छा लगता है, ठीक है ना? नहीं खाना हां ऐसे तो नहीं कि पत्नी डाल के मैंने और कुछ खाने से लगी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में से पीछे भी कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 105 है। तो आप अभी लोग तो बहुत कम हो। हाँ तो आते घर में कम आते हैं बच्चे, स्कूल आते नहीं, तो आप लोग नहीं कहते कि भाई स्कूल चलो? हम कहते हैं। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? तो ये कहा करो, देखो वहाँ खाना मिले, वहाँ पे पढ़ाई करने हम कहते हैं हमारे घर में ऐसा है तो कहना कि चलो खाना मत खाना, लेकिन तुम पढ़ाई तो कर सकते हो वहाँ पे। और ये कहते हैं बहुत सारे बच्चे तो काम पे लग गए, काम करते हैं, काम नहीं करते। यहाँ टीचर्स बुलाने जाते हैं कुछ? नहीं जाते हैं कभी कभी। आप लोग कितने? 15-20 होंगे? 15 नहीं नहीं 75 लोग आते हैं, 60 बच्चे, 40 या 50 आदमी, मतलब 50% बच्चे। अच्छा आप सब ऐसे कितने ऐसे बच्चे जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच डिफेक्ट, बोलने में किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, या हकलाते हो, या फिर मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो किस किस को है ऐसी प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं? अच्छा इसमें से कोई भी बच्चे मैं बुला लूँ, कुछ भी सुनाने के लिए कुछ भी बोल दोगे? है ना पक्का? तो नहीं लगता है किसी? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। नहीं अब एक आप आओ, एक आप आओ, आओ इधर आओ, आप इधर आओ। एक कोई पोएम सुना? नाम नाम पहले नाम बताओ। नाम क्या बताओ? किरण। किरण आगे उसी बस किरण कुछ सुनाओ आप, कुछ पोयम, कुछ कहानी, कविता, कविता कुछ भी चीज़? कुछ भी हिंदी की कविता? हाँ कुछ भी। किस क्लास में आप? सेवेंथ में। हाँ तो कोई भी कविता सुना। और आप कुछ सुनाना चाहेंगे बताओ? क्या सुनाओगे? माँ कहीं एक कहानी डाले था ये रानी, माँ कहीं एक कहानी, तू आटी मान लग मेरी, सुनो पर मुँह बड़े सवेरे, तात ब्राह्मण करते थे तेरे, जहाँ से भी मनमानी, जहाँ से भी मनमानी। हाँ हाँ यही। आपका नाम क्या है? क्या? अमित वार्ष्णेय। अमित वार्ष्णेय, वेरी भान सिंह। अच्छा आप सुनने से कितने आप लोग बैठे? अच्छा आप सब लोग में से कितने ऐसे अच्छे हैं जो काम करते हैं साथ में, मतलब काम कैसे कर पाते हैं आप? घर का काम, घर का काम कर पाते हैं। हम भी करते हैं ऐसा कुछ नहीं कि साथ में पापा करते हैं कैसा काम कराते हैं? नहीं नहीं हम भी कराते हैं। हम भी कैसे कराते हैं सब लोग कराते हैं ऐसा कुछ? अच्छा यहाँ गैस पे बनता है ना चूल्हे पे? गैस पे बनता है। अच्छा लगता है, जैसा कुछ नहीं है कि कुछ कमी लगती हो खाने में, या फिर इसकी क्वालिटी मतलब कितनी कैसी होता है, और ज्यादा देते हैं लेते सब कुछ, सब तो पेट भर सब और जितना मांगो उतना देते हैं। क्या क्या चीजें मिल रही हैं? हर दिन हर दिन का कुछ रोटी दाल,
सोमवार को क्या मिलता है? फल कितने कितने मिलते हैं? नाम बोलते हैं हम बताओ डॉक्टर डॉक्टर अच्छा बताइए हमारे स्कूल का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त खून तो है, खून ऐसा क्या होता है जो लाल लाल होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, फिर एक बार बताओ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी तो सांस लेते हैं, उनका तो हरा पीला नीला अजीब जी से रंग निकलते हैं, उनका देखा है? लाल बहुत कम का निकलता है ना? देखा है कभी किसी कीड़े को मार के नीला सा भी निकलता है, काला भी निकलता है? तो फिर उनका क्यों होता है ऐसा, उनका लाल क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं बताऊंगी अभी आंसर। अच्छा आप क्या बताना चाहते हैं? अधिकारी, कोई कोई अधिकारी। कोई क्या, कौन सा वाला? जिलाधिकारी है। आपके यहाँ आते रहते हैं? शिक्षा अधिकारी। आपको प्लीज पुलिस पुलिस भाई अपने इतना हाइट बड़ा है। हाइट बड़ा ठीक करो। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नाम क्या? राधे। अच्छा कोई डायलॉग बताओ फ्रीडम फाइटर का, किसी का भी, एक हिस्ट्री में किसी का भी, राजा का, किसी का भी, किसी जो जो तुम्हें बहुत पसंद हो, किसी का एक जो तुम्हें प्रेरित करता हो, जिसे बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं और जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत से लोग लिखते हैं लेकिन जिन्होंने संविधान लिखा उन्हें भी महान कहते हैं। आप अधिकारी बनना चाहते हैं? शिक्षा। शिक्षा अधिकारी। और नाम बताएं? क्या नाम? हाँ बताओ बताओ। शिवम कुमार अम्बेडकर। टीचर। टीचर हम अधिकारी बनना चाहते हैं। कोई भी कोई भी टीचर। वकील। वकील लॉयर। हाँ तो कोई बात नहीं। टीचर। टीचर। अरे वेरी गुड। नाम क्या है आपका? खुशबू। वेरी गुड। हमारे खून में एक कलर होता है, पिगमेंट होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। नहीं होता। ये क्या है? नीला पड़ जाता है, कभी नीला पड़ जाता है, कभी में छोट, वो नीला नहीं है। हाँ मतलब वो जो है दिखे दो तरह के खून होते हैं, एक में एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। जिसमें ऑक्सीजन होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हमें लगता है ये, लेकिन ये बस इतना फर्क होता है, एक गहरा लाल होता है और एक मतलब लाइट लाल हल्का लाल होता है ना। जो गहरा लाल होता है वो लगता है दूर से हमें मतलब ऐसे देखने में कि ये हरा या नीला सा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो डार्क डार्क रेड होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, चलते हैं। जय हिंद। बोलो जय हिंद।